नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यूसर के इस साइंस स्टूडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और हमारे इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज हमारे मध्य में डॉक्टर जीएस पवार, जो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर काम करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पवार जी, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ और आज जो आप हमें बताने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें उनको जानकारी प्राप्त होगी कि प्लांट टिश्यू कल्चर से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, रिसर्च के फील्ड में क्या संभावनाएं और आगे आप अपना इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो इसको व्याख्यान को मैं आगे करते हुए मैं आपका पुनः यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे स्टूडियो में आने के लिए अपना समय हमें यहाँ पे दिया। नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर पे एक व्याख्यान देने जा रहा हूँ, जिसमें कि जो है मैं आपको विस्तार में बताऊँगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ हम प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं, कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, क्या क्या इसमें जो है किन किन विषयों का हमें इसमें ज्ञान होना चाहिए, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। और बीएसआई में वैज्ञानिक होने के नाते हम बीएसआई में इसका कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो भी मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा, जिस जो कि मेरे प्रेजेंटेशन में आप सब लोग आपको देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। इसलिए मैं अभी प्रेजेंटेशन में आपको सब इसकी जो है विस्तार से विवरण में बता दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज आप सभी के बीच में प्लांट टिश्यू कल्चर, इंट्रोडक्शन टू प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस पे एक जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें कि टिश्यू कल्चर क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, उस बारे में आपको मैं डिटेल से इस प्रेजेंटेशन में बताऊँगा। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम हिंदी में पादप ऊतक संवर्धन भी कहते हैं, और यह एक टेक्नोलॉजी है, ये एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट का जो है एक कॉम्बिनेशन है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इन सब चीज विषयों का आपको जो है अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस टेक्नोलॉजी में जो है अच्छे से महारत हासिल कर सकते हो। और इसकी जो डेफिनेशन है, द इनविट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस, कि आपको इसको जो है लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशन में जो है आर्टिफिशियल कंडीशंस में जो इसको करना है। और इससे टिश्यू कल्चर को हम क्लोनल प्रोपेगेशन और माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्लोनल प्रोपेगेशन मीन्स कि जो हम टिश्यू कल्चर से प्लांट डेवलप कर रहे हैं वो सब जो है आइडेंटिकल हैं टू द पेरेंट प्लांट, वो जो है जो पेरेंट प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 100% क्लोन है। और इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट से प्लांट पेरेंट प्लांट से छोटा सा पार्ट लेके, छोटा सा ऊतक टिश्यू लेके, उससे हम जो है सेम जो है पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। और यह एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन की विधि भी है, कि इसमें प्लांट जो है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, इसमें जो है हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब बात आती है कि टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है इसके प्रिंसिपल क्या है, किन प्रिंसिपल पे ये काम करती है। तो पहला प्रिंसिपल है इसका सेल टोटिपोटेंसी। आई थिंक आप सभी लोग सेल टोटिपोटेंसी के बारे में जो है अच्छे से जानते होंगे, कि जो प्लांट की एक एक सेल है, जो प्लांट की कोशिका है,
वो हर एक कोशिका में जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो उस कोशिका से हम एक नया प्लांट डिट्टो नया प्लांट जो है डेवलप कर सकते हैं. इसे कहते हैं सेल टोटिपोटेंसी, जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ईच सेल ऑफ द प्लांट बॉडी हैव एन इनहेरिटेड पोटेंशियल टू रिजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम विच इट हैज बीन ड्राइव्ड. एंड सेकेंड प्रिंसिपल इसका है सेल सिग्नलिंग एंड सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि जो हम इसको जो है सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे जो है उसके जो है जेनेटिक डीएनए तक पहुंचता है और कैसे प्लांट फिर रिस्पॉन्ड करता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको अभी बताऊंगा. तो इस सेल टोटिपोटेंसी के संदर्भ में जो है गॉटलीब हेबर्टलैंड, जिसे हम जिन्हें कि हम जो है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, उन्होंने जो है इन चार प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज पे जो है पहला एक्सपेरिमेंट किया. लेकिन वो इसमें जो है सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो है इन 1902 में इन वियना एकेडमी ऑफ साइंस बर्लिन में जो है इसके जो प्रिंसिपल्स जो हैं पोस्टुलेट जो दिए थे, उन्हीं पोस्टुलेट पर हम आज टिश्यू कल्चर में जो है काम कर रहे हैं और वही इसका बेसिक जो है फाउंडेशन है. इसमें उन्होंने कहा था कि सेल इन द प्लांट बॉडी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर एक्वायरिंग द फीचर्स रिक्वायर्ड बाय द एंटायर ऑर्गेनिज्म विदाउट लूजिंग देयर इनहेरेंट पोटेंशियलिटी फॉर फर्दर ग्रोथ एंड आर कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑन गेटिंग सुटेबल स्टिमुलस, कि जब भी उस कोशिका को उस सेल को जो है सुटेबल स्टिमुलस मिलेगा तो वो जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और वही सेम प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा जिससे इस कोशिका को हमने जो है लिया था. सेकेंड प्रिंसिपल मैंने कहा था सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसमें कैसे जो है सिग्नल जो है आपका सेल सरफेस से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर अवेलेबल होते हैं उपस्थित होते हैं उनसे कैसे जो है सेल सिग्नल हमारा जो है डीएनए तक पहुंचता है और फिर हमें जो है प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है उस मैसेंजर के अकॉर्डिंग और उस प्राइमरी मैसेंजर के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन. इसमें जो है दो टाइप के मैसेंजर जो है इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है प्राइमरी मैसेंजर, जिसमें कि मेनली हमारे आते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और जिन्हें हम नॉर्मली हार्मोन्स भी कहते हैं, और दूसरे मैसेंजर होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जिनको हम कहते हैं कि जो कि मैसेज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है डीएनए तक और न्यूक्लियस में डीएनए तक जो है लेके जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी मैसेंजर. ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है डिफरेंट डिफरेंट उनके बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और उनकी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जो है उनको हमने जो है डिफरेंट डिफरेंट उसमें भी डिवाइड कर रखा है, जैसे हाइड्रोफोबिक मैसेंजर हो गए, हाइड्रोफिलिक हो गए, और इसमें गैसेज आर ऑल्सो इन्वॉल्व. अब बात आती है कि हम कैसे जो है प्लांट टिश्यू कल्चर को किन किन तरीकों से हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, या एक पेरेंट प्लांट से हम क्या क्या पार्ट हम एज ए एक्स प्लांट ले सकते हैं. तो इसमें है जैसे हम एम्ब्रियो कल्चर हो गया, ऑर्गन कल्चर हो गया, कैलस कल्चर हो गया, और सेल कल्चर इंडिविजुअल सेल लेके भी हम जो है एक कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में कि न्यू एडल्ट प्लांट से हम न्यू एडल्ट प्लांट डेवलप कर रहे हैं इन चार मेथड से. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं टिश्यू कल्चर के जो कि हम अपनी प्रयोगशाला में जो है प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग किए जा रहे हैं. अब बात आती है कि क्या क्या जो टिश्यू कल्चर में जो है क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेजेज हैं, कैसे हम इसको जो है जब हम टिश्यू कल्चर का प्रयोग हम अपनी लैब में करते हैं तो इसमें क्या क्या स्टेजेज आती हैं. तो पहले कहते हैं हम कि स्टेज जीरो, जिसमें जो है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया, जो आर्टिफिशियल मीडिया है, हम कैसे इसको हम लैब में जो है तैयार करते हैं और फिर कैसे इसमें आगे जो है अपने एक्सप्लांट को इनोकुलेट करना, तो वो आती है स्टेज जीरो में प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया. सेलेक्शन ऑफ द हेल्दी पेरेंट प्लांट विथ डिजायर्ड करेक्टर, उसके बाद जब आपने एक बार पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट कर लिया फिर उसमें से जो हम एक्सप्लांट लेते हैं उसको प्रॉपर स्टरलाइज करना है, तब हम उसको जो है स्टेज वन में इनोकुलेट करते हैं. जो सुटेबल मीडिया आपने बना आर्टिफिशियल मीडिया बनाया है उसमें हम उसको इनोकुलेट करते हैं, और उसके बाद स्टेज टू में सब कल्चरिंग. ये नहीं कि हम एक ही बार में इनोकुलेट किया और आपको प्लांट मिल जाएगा, उसको कई बार आपको जो है सब कल्चर भी करना पड़ता है. से स्टेज टू और स्टेज थ्री में जो है फिर जब आपको एक बार जो है आपको सूट्स जो मिल ऑर्गेनोजेनेसिस जो आपने इंड्यूस कराई थी उसमें जब आपको सूट्स मिल गए तो स्टेज थ्री में हम उनको जो है रूटिंग के लिए रूटिंग मीडिया में शिफ्ट करते हैं. जब आपको कंप्लीट प्लांटलेट मिल जाता है तब हम हार्डनिंग एंड फील्ड ट्रांसफर, ये सभी स्टेप्स मैं आपको आगे जो है विस्तार में बताऊँगा. टिश्यू कल्चर को हम करते वक्त इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो हमें जो है सबसे विशेष जो ध्यान देना है इसमें है मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन, मींस कि हमें जो प्रयोगशाला हमारी है उसमें हमें हाइजीन कंडीशंस को जो है मेंटेन करना है, क्योंकि अनहाइजीन कंडीशंस जो है सबसे बड़ी चैलेंज है टिश्यू कल्चर के लिए. इसलिए जो है हाइजीन मेंटेन करना
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन टिश्यू कल्चर. सेकंड, इसमें जो है कि जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है, कहाँ से ये कंटामिनेशन आता है, तो उसमें जो है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया है, एक्सप्लांट जो हम बाहर से ले रहे हैं वो है, ग्लासवेयर्स जो हम इसमें यूज कर रहे हैं वो, कई सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे अभी बताऊँगा. और कैसे हम इस जो है जो कंटामिनेशन आ रहा है कैसे हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन, इसके लिए हम स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं जो कि मैं अभी बताऊँगा. ये हैं पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन की कल्चर वेसल्स, ग्लासवेयर्स जो हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं वो भी एक जो है बड़ा सोर्स है कि उसमें जो है अगर प्रॉपर वॉशिंग क्लियर नहीं हो रखी है, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है उनकी, तो उनसे भी जो है हम कंटामिनेशन जो है हमारे कल्चर में कंटामिनेशन आ सकता है. टिश्यू कल्चर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ टिश्यू कल्चर जो है, क्योंकि इसमें सुक्रोज अवेलेबल है, जो चीनी हम घरों में यूज करते हैं वो जो है बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ के लिए बहुत ही जो है फायदेमंद मीडिया है, तो इसलिए इसमें फंगल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसमें कंटामिनेशन होने के. इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग द वेरियस ऑपरेशन, जो जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे जो है इंस्ट्रूमेंट भी जो है अगर प्रॉपर क्लीन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन की है, तो उससे भी जो है कंटामिनेशन आ सकता है. एक्सप्लांट इटसेल्फ जो हम उसमें इनोकुलेट कर रहे हैं मीडिया में, अगर वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है तो उससे भी जो है कंटामिनेशन हो सकता है. ऑपरेटर जो व्यक्ति लैब में जो है काम कर रहा है, अगर वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो उससे भी जो है कंटामिनेटेड हो सकते हैं हमारे कल्चर. और सबसे लास्ट है इन्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है लैब का अगर वो प्रॉपर हाइजीन एसेप्टिक नहीं है तो उससे भी जो है हमारे कल्चर्स में जो है कंटामिनेशन आ सकता है. अब बात आती है कि कैसे हम इस कंटामिनेशन को रोक सकते हैं. मैंने कहा कि उसके लिए हम स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, और स्टरलाइजेशन में जो है ग्लासवेयर्स के लिए अलग है, प्लास्टिकवेयर के लिए अलग है, न्यूट्रिएंट मीडियम के अलग है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज होती है. जैसे केमिकल स्टरलाइजेशन है कि जिनमें हम जैसे ग्लासवेयर वगैरह है इनको केमिकल से प्रॉपर जो है इसमें हम क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन से इसको जो है प्रॉपर ट्रीट करते हैं. ड्राई हीट मेथड है जिसमें हम ये हॉट एयर ओवन में जो है इनको ग्लासवेयर्स को वॉशिंग के बाद जो है 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक एटलीस्ट 3 आवर्स तक हम उसको जो है उसमें रखते हैं. स्टीम स्टरलाइजेशन है जो हम ऑटोक्लेव से करते हैं, जिसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 pound square inch प्रेशर पे जो है हम 20 मिनट तक उनको जो है स्टरलाइज करते हैं. अगला है फिल्टर स्टरलाइजेशन. कुछ कंपोनेंट टिश्यू कल्चर के ऐसे हैं, मीडिया के ऐसे हैं कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, कि अगर आप उनको ऑटोक्लेव से पहले अगर ऐड कर देते हो तो उनकी जो है जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए उनको हम फिल्टर स्टरलाइजेशन, ये मेम्ब्रेन फिल्टर मैंने पिक्चर में डाली हुई है, इसको यूज करते हैं. और अगला है यूवी स्टरलाइजेशन. यूवी से भी हम जो है अपने ग्लासवेयर्स को जो जो केवल टिश्यू को छोड़ के सभी चीज़ों को जो हम यूवी से भी स्टरलाइज कर सकते हैं. अब बात आती है कि टिश्यू कल्चर में जो है बेसिक इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें चाहिए एक बेसिक टिश्यू कल्चर लैब को डेवलप करने के लिए. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हॉट एयर ओवन हो गया, वर्टिकल ऑटोक्लेव हो गया, डिस्टिलेशन असेंबली, वेइंग बैलेंस, टिश्यू कल्चर केमिकल्स, पीएच मीटर, मीडिया बॉयलर, लेमिनार एयर फ्लो, ऑपरेशनल टूल्स. और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो है जैसे कल्चर रूम, आपके पास एक प्रॉपर कल्चर रूम होना चाहिए जिसमें सारी कंडीशंस कंट्रोल कंडीशंस होनी चाहिए, और एक नेट हाउस एंड पॉली हाउस जिसमें कि आप प्लांट को जो है हार्डनिंग के लिए लेके जा सकते हैं. अब बात आती है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि एक टिश्यू कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि इस आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है, क्या क्या इसमें जो है चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हैं. तो जनरली जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो कंसिस्ट होता है वो है उसमें इन्वॉल्व, नाम ही इसका न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो इट मींस कि ये जो है न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा है. इसमें है बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स, बोथ द न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होते हैं. कार्बन सोर्स है, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये सब चीज़ें जो है हम इसमें ऐड करते हैं जब भी हम कोई आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं किसी प्लांट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं. तो इन सब चीज़ों को ऐड करते वक्त हमें विशेष ध्यान देना होता है कि जब हम इनके स्टॉक्स बनाते हैं, ये मैं कंपोजिशन है मोरासिक एंड स्कूग मीडियम, जो बहुत ही बेसिक मीडियम है टिश्यू कल्चर में, और ये उसकी कंपोजिशन है. तो जब हम इसकी कंपोजिशन में देखते हैं तो हम इनके स्टॉक्स बनाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट हैं, तो इनके स्टॉक 1, 2, 3 बनाते हैं. स्टॉक बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि ताकि जब भी हम मीडिया बनाएं तो बार बार हमें इतने केमिकल्स वे करके फ्रेशली ना ऐड करने पड़े, इसलिए हम इनको जो है स्टॉक बना के अपना फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और इनको जो है आगे यूज करते रहते हैं. ऐसे ही जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के भी स्टॉक बना लेते हैं, विटामिन्स के भी. कुछ कंपोनेंट हैं जो इनको हम फ्रेशली ऐड करते हैं, जिसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सुक्रोज हो गया एंड मायो एनासिटॉल. इन चीज़ों को हम जो है हमेशा फ्रेशली ऐड करते हैं, इनके हम स्टॉक नहीं बना के रखते हैं.
अब ये कुछ और बेसिक मीडिया हैं आज की डेट में जो है, मोर देन 200 प्लांट टिश्यू कल्चर्स मीडिया आर देयर, बट ये कुछ बेसिक हैं, मुरासिक एंड स्कूप, गैमबर्ग, ये सब जो हैं, पार्कर एंड थॉम्सन, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीडिया भी यूज होते हैं, जैसे ओडी प्लांट मीडिया हो गया, आजकल टेरिडोफाइट्स के फर्न्स के लिए अलग मीडिया आ गए हैं। अगला कंपोनेंट है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टिश्यू कल्चर मीडिया का, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आपका एक्स प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है। मेन मतलब कि मेन रोल टिश्यू इसमें अगर है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, जो ऑर्गेनोजेनेसिस आपका जो एक्स प्लांट है वो क्या डेवलप होगा, सूट डेवलप करेगा, रूट डेवलप करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या हार्मोन्स ऐड किए हैं। और ये बेसिक हार्मोन्स हैं, 5 हार्मोन्स जो हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, और एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड हम यूज करते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो इंड्यूस करने के लिए। तो ऑक्सिन्स में आप देख ही रहे हो, जैसे कि 2,4-D कैलसिंग के लिए हम, और रूटिंग के लिए जो है IA, IBA एंड NA यूज करते हैं। साइटोकाइनिन्स हो गया काइनेटिन, BAP, TDZ, ये तीनों जो है सूटिंग के लिए यूज करते हैं। जिब्रेलिन जनरली सीड जर्मिनेशन या जो है ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए यूज करते हैं। इन 5 हार्मोन्स के साथ जो है कुछ ये और ब्रेसिनोस्टेरॉइड आप देख रहे होंगे साइड में, ये सब जो है यूज होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टडी के लिए, जो है जब हम कोई फर्दर स्टडी करते हैं, एडवांस स्टडी टिश्यू कल्चर में करते हैं, तो इन सब का हम उपयोग तब करते हैं। अब बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, कैसे जो है हम टिश्यू कल्चर मीडिया बनाते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी जो है बरती जानी चाहिए। तो जितने भी मैंने कंपोनेंट बताए, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, ये सब हम ऐड ऑल द कंपोनेंट्स इन वन फ्लास्क विच इज कैरिंग द डिस्टिल वाटर। एक फ्लास्क में आपने जो है डिस्टिल वाटर ले लिया, अब आपने अपने स्टॉक से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए हैं, सूक्र जो भी फ्रेशली एडेड कंपोनेंट है उनको ऐड किया, उनको फिर जो है हम जो है रख के उसके बाद उसमें उसका pH ले लेते हैं। pH जनरली हम जो टिश्यू कल्चर का मीडिया है, pH जो है टिश्यू कल्चर मीडिया का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर pH ऊपर या नीचे है तो आपका टिश्यू जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद pH लेने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं अगार, क्योंकि अगार हम जो है pH से पहले नहीं ऐड करते हैं, अगार को जो है pH अब आपने जो है सेट कर लिया है, उसके बाद pH आप मेजर कर लोगे तब अगार ऐड करते हैं। फिर उसको बॉईल किया मीडिया को, बॉईल करने के बाद आपने जो है जो मीडिया आपके पास बॉईल्ड मीडिया है उसको जो है प्रॉपर पोर किया फ्लास्क में, छोटे छोटे फ्लास्क में 150 ml के या 250 ml के, एंड उनको कॉटन प्लग लगा के उनको प्रॉपर जो है सील कर दिया। सीलिंग के बाद हम उस मीडिया को जो है ऑटोक्लेव करते हैं अब इस मीडिया को, क्योंकि अभी तक ये प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, तो इस मीडिया को जो है हम ऑटोक्लेव करते हैं, स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में, और फिर ऑटोक्लेव करने के बाद हम इस मीडिया को एक हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अगर ये मीडिया प्रॉपर स्टरलाइज हो गया तो इसमें एक हफ्ते तक कोई जो है कंटामिनेशन नहीं होगा, कोई फंगल ग्रोथ नहीं आएगी। अगर ये प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है तो इसमें फंगल ग्रोथ आने की संभावना रहती है और एक हफ्ते के अंदर आ जाती है। अब आपने मीडिया बना के रख दिया, तब तक आप जो है सेकेंड कंपोनेंट अब आता है कि एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट मीन्स कि जो एक्स प्लांट हम कहते हैं कि द प्लांट पार्ट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो हमने टिश्यू जो है पेरेंट प्लांट से लिया है उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। और एक्स प्लांट में हम ले सकते हैं या हमेशा यंग टिश्यू ही लेते हैं, उसमें जो है यंग लीफ हो गई, सूट टिप हो गई, एक्जिलरी बड हो गई, एम्ब्रियो हो गया, एंथर एटसेट्रा हो गया, इन सबको लेते हैं। और जनरली एक्स प्लांट का साइज जो है हम 0.5 cm से 1 cm तक रखते हैं, और हम कहते हैं कि एक्स प्लांट में जो है जब भी हम सूट टिप लेते हैं एज एक्स प्लांट, तो वो जो है वायरस फ्री होती है। उसका रीजन आप ये देख सकते हो पिक्चर में कि प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें जो है प्लाज्मोडेस्मेटा डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो वायरस फ्री होता है हमेशा मेरिस्टेमेटिक पार्ट, इसलिए हम हमेशा जो है मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेते हैं। और वायरस फ्री प्लांट हम वी कैन डेवलप थ्रू द टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑल्सो। जब आपने एक्स प्लांट सेलेक्ट कर लिया, अब बात आती है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि टिश्यू कल्चर में हम जो भी चीज़ लेते हैं बिना स्टरलाइज किए हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, चाहे वो सब लिविंग टिश्यू ही है। तो अब हमने जो एक्स प्लांट लिया है तो उसको भी प्रॉपर स्टरलाइज करते हैं, उसके स्टरलाइजेशन की आप स्टेप देख ही रहे हो एक एक करके जो है। जब आपने स्टरलाइज कर लिया, प्रॉपर आपका एक्स प्लांट भी स्टरलाइज कर लिया है, तब हम उसे इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन के लिए हमें चाहिए लेमिनार एयर फ्लो, जो कि प्रॉपर जो है इनोकुलेशन के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है जो एयर अंदर इसके कैबिनेट में आती है प्रॉपर फिल्टर होके आती है, इसमें हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, और इसी में ये
एयर ये फ्लेम के आगे जो बर्नर के थ्रू जो फ्लेम आप देख रहे हो इसमें, इसी के आगे हम पूरा जो इनोकुलेशन जो ऑपरेशन एक्टिविटी है वो सब हम इसके आगे करते हैं। तो इसमें कैसे, जब आपने एक्सप्लांट लिया तो कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, पहले आपने एक्सप्लांट लिया उसको प्रॉपर स्टरलाइज किया, फिर जो दोनों एंड हैं एक्सप्लांट के उनको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो जो हैं जितने भी आपने जो हैं केमिकल्स यूज किए हैं उनके लिए उनको एक्सपोज हो चुका है, उनसे एक्सपोज हो चुका है, तो इसलिए उनमें जो है डेड सेल्स होंगी, तो उनको हम रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उनको इनोकुलेट कर देते हैं सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया में जो आपने जो है एक हफ्ते पहले बना के रखा हुआ था। जब आपने इनोकुलेट कर दिया अपना एक्सप्लांट, फिर हम इनको ले जाते हैं कल्चर रूम में, जहाँ पे कि आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लाइट ऑल दी थिंग्स आर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, सब हमने जो है मेंटेन करके रखी हुई है, और उस वहाँ हम जो इनोकुलेटेड फ्लास्क हैं इनको हम रख लेते हैं कल्चर रूम में। यहाँ ये प्लांट अपना जो है रिस्पॉन्ड करेगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने ग्रोथ हार्मोन उसमें ऐड किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लांट यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स देगा। अब बात आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है और कैसे हम इसको इंड्यूस करते हैं टिश्यू कल्चर में। तो टू टाइप से हम, दो प्रकार से हम जो है ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में। एक कहते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, कि जिसमें हम आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली जो है या तो सूट टिप से या नोडल सेगमेंट से जो है डायरेक्ट सूट डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आगे भी बताऊँगा अभी डिटेल में। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस ये आप देख सकते हैं कैसे जो है नोडल सेगमेंट से आप पहले दो सूट निकलते हुए देख रहे हैं, बाद में ये मल्टीपल सूट जो हैं जब हम इनको फर्दर सब कल्चरिंग करते हैं तो मल्टीपल सूट्स भी जो हैं हम डेवलप कर सकते हैं इसमें नोडल सेगमेंट से। ये आप देख सकते हो सूट टिप से हम कैसे जो हैं सूट्स डेवलप कर रहे हैं और मल्टीपल सूट्स डेवलप कर रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। सेकेंड अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एक्चुअली जो है इसमें एक स्टेप जो है बढ़ जाता है, इसमें हम पहले जो है स्पेशलाइज जो है जो एक्सप्लांट ले रहे हैं वो एक्सप्लांट जो है फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, मींस कि दैट इज स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और उसको हम रिवर्ट कर रहे हैं डी डिफ्रेंशिएशन जिसे हम कहते हैं कैलस में जो है रिवर्ट कर रहे हैं। एंड कैलस जो है सिंपली एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, और इस कैलस से अब हम इसको फर्दर सूट में या रूट में जो है डेवलप कर सकते हैं, तो जिसे फर्दर हम कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं री डिफ्रेंशिएशन, और उससे हम उसको सूट या रूट में जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में ये आप देख सकते हो कि पहले हम जो है कोई भी एक्सप्लांट से हम कैलस इंड्यूस कर रहे हैं, कैलस से आप देख सकते हो कि कैसे सूट्स डेवलप हो रहे हैं, फिर हम उनको फर्दर सब कल्चरिंग से जो है मल्टीपल सूट में डेवलप करके उनको जो है आगे रूटिंग के लिए लेके जा सकते हैं। ये कैलस से फर्दर जो है डेवलप हो रहे हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि जो है ड्यू टू सम रिजिड नेचर ऑफ द सीड कोट एम्ब्रियो जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता या जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो उनसे भी हम डायरेक्टली एम्ब्रियो लेके या फिर हम जो है सोमेटिक एम्ब्रियो इंड्यूस करके लैब में जो है कैलस से आप सोमेटिक एम्ब्रियो इंड्यूस करके भी जो है टिश्यू कल्चर को जो है टिश्यू कल्चर से सोमेटिक एम्ब्रियो इंड्यूस करके आप अपना प्लांट डेवलप कर सकते हो। ये सोमेटिक एम्ब्रियो हैं, जो सोमेटिक एम्ब्रियो हैं ये ऑलमोस्ट जो है जायगोटिक एम्ब्रियो की तरह ही दिखता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर वो सारी इसमें स्टेजेज देखने को मिलती है, लेकिन तो इसकी जो ओरिजिन है वो सोमेटिक सेल से है ना कि जो है रिप्रोडक्टिव सेल से। और इन्हीं सोमेटिक एम्ब्रियो को जब हम ये कैल्शियम एल्जिनेट सोडियम एल्जिनेट के जो है इनकैप्सुलेशन में यूज करते हैं और उनको जो है आर्टिफिशियल सीड बनाने में भी यूज किया जाता है। जब आपने सूट डेवलप कर लिया, अब हम इन सूट्स को जो है जो आप पहली पिक्चर में देख रहे होंगे इनको शिफ्ट करते हैं रूटिंग मीडिया में रूट इंडक्शन करने के लिए, क्योंकि जब तक अभी आपके पास सिर्फ सूट है इसमें जो है कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप होने के लिए इसमें रूट भी प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए। तो ये रूट आप देख सकते हो कि जो है रूटिंग मीडिया में शिफ्ट करें, रूटिंग मीडिया में जो हम ग्रोथ हार्मोन ऐड करते हैं सूटिंग के लिए डिफरेंट करते हैं, जब सूट डेवलपमेंट हमें करना हो तो हम डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, रूट इंडक्शन जब करना होता है तो उस मीडिया में हम जो है डिफरेंट, मैंने कहा था कि हम IBA IA NA इनको यूज करते हैं रूट इंडक्शन के लिए, और ये आप देख सकते हो कि भलीभांति रूट डेवलप हो रही है प्लांट में। यह है इनविट्रो हैप्लॉइड प्रोडक्शन, हम लैब में जो है हैप्लॉइड भी डेवलप कर सकते हैं थ्रू द एंथर कल्चर थ्रू द ओवरी कल्चर इनसे भी जो है, और ये टेक्नोलॉजी आजकल फ्लोरी कल्चर इंडस्ट्री में जो है बहुत ही यूज हो रही है। जनरली हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स में तो नहीं करते हैं इनको यूज, लेकिन फ्लोरी कल्चर में इसका जो है भरपूर उपयोग किया जा रहा है।
अब आपने प्लांट डेवलप कर लिया, जब आपके पास कंप्लीट प्लांट डेवलप हो गया, अब इसकी बारी आती है कि हम कैसे इसको हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन, जो स्टेज आती है हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन है, कि कैसे आप इस प्लांट को, क्योंकि जो लैब में आपने प्लांट डेवलप किया है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंडीशन में डेवलप हुआ है, इसको नेचर में कैसे लेके आना है, तो वो भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसको कल्चर फ्लास्क से निकाल के सीधे जो है बाहर रख दोगे, अगर ऐसी स्थिति होगी तो प्लांट आपका मर जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, तो वो आप इसमें देख। कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट, क्योंकि जो फ्लास्क में जो है मॉइस्चर बहुत होती है, तो इनिशियली हम जब प्लांट को बाहर निकालते हैं तो उनको पॉलीथीन से कवर करना पड़ता है टू मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट। जब आपने जो है इन प्लांट्स को बाहर निकाला, फिर आप उसको जो है नेक्स्ट स्टेज में जो है आप उसको लेके जाओगे पॉली हाउस में। पॉली हाउस में भी आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ऑल दी थिंग्स आर कंट्रोल्ड। 1 month या 2 month डिपेंड करता है प्लांट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप उसको यहाँ पर रख के फिर आप उसको शिफ्ट करोगे जो है नेट हाउस में। नेट हाउस में आप देखोगे कि नेट हाउस प्रॉपरली इसमें लाइट का जो है फिल्टर लाइट कि 100% जो सोलर लाइट है वो प्लांट तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि प्लांट अभी आपका प्रॉपरली जो है ओपन इन्वायरमेंट के लिए जो है रेडी नहीं है, तो इसलिए हम इसको नेट हाउस में 2-3 महीने नेट हाउस में रख के देन वी शिफ्ट इट इन टू द ओपन इन्वायरमेंट। और जो हम इसमें जो है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट डेवलप किए हैं, बेसिकली इन माय ऑर्गेनाइजेशन इन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है प्लांट डेवलप करते हैं उनको फिर हम जो है नेचर में वापस, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, उनको वापस नेचर में जो है उन्हीं के हैबिटेट में जो है वापस वहाँ पर उनको पुनर्स्थापित करके आते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जो है वापस नेचर में हम इनको, एक बार जब लैब में आपने मल्टीप्लाई कर लिया कोई भी थ्रेटन्ड स्पीसीज को, तो वापस उनको जो है उन्हीं के जो है नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड में जो है पुनः स्थापित करके आते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, गाँव वालों को भी हम ये प्लांट डेवलप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमने लैब में डेवलप किए हैं। अब बात आती है कि एप्लीकेशन क्या क्या, टिश्यू कल्चर के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये टिश्यू कल्चर जो है यूज हो सकता है। तो पहला जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू कल्चर यूज हो रहा है उसका यूज है माइक्रो प्रोपेगेशन ऑफ RET और EET स्पीसीज। ये हैं रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड। रेयर अब तो टर्म यूज नहीं होती है, अब आती है EET, एंडेमिक, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। और इनको कैसे हम जो हैं इनको बचा के रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नेचर से ये सब स्पीसीज जो हैं धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो कैसे हम इसको जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू बचा सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया। दूसरा आता है जर्म प्लांट प्रिजर्वेशन, आपने आजकल सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशन और क्रायो बैंक, उसमें भी हम या तो जो है सोमेटिक एम्ब्रियोज को जो है एनकैप्सुलेट करके वहाँ पर जो है स्टोर कर सकते हैं या सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। अगला आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम जो है उसमें जो है म्यूटेशन भी इंड्यूस कर सकते हैं। और हैप्लोइड प्रोडक्शन, मैंने बताया था आपको कि फ्लोरी कल्चर में जो है थ्रू ओवरी कल्चर और जो है एंथर कल्चर हम हैप्लोइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फ्लोरल इंडस्ट्री में इसको जो है बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसमें भी टिश्यू कल्चर का जो है अहम रोल है। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आपने आजकल देखी होंगी कई सारी जो है BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनके लिए भी जो है टिश्यू कल्चर एक अहम टेक्निक है, उसमें भी उनका उपयोग, टिश्यू कल्चर का उपयोग हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी, आपने देखा होगा कि जो है एग्रीकल्चर यील्ड हमेशा हमारी जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर फील्ड दिन प्रतिदिन रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो हमें जो है हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप करके जो है कैसे अपनी उपज को बढ़ाना है, कैसे यील्ड बढ़ानी है, वो भी टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट्स, आपने कई सारी फसलें देखा होगा कि इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा उनको काफ़ी हानि पहुंचाई जाती है, तो वो भी हम जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिक पाथवे एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आजकल आपने देखा होगा कि मेडिसिनल प्लांट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जो है बहुत ही उपयोग हो रहा है, तो वो भी हम टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है आयुर्वेदिक जितने भी जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम यूज कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताई थी, XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन प्लांट, आपने देखा होगा कि IUCN ने जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दी है प्लांट्स की, कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। और जो भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं ये हमने जो है प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं, जैसे ये रॉल्फिया सरपेंटाना हाईली मेडिसिनल प्लांट है, इस पर हमने प्रोटोकॉल डेवलप किया है। अगला है एरोमास्टेकिस सुपरबा, जो है एक यहीं पे मोहन में देहरादून नॉर्थ वेस्ट हिमालय की एंडेमिक स्पीसीज है, यहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती है, इसको भी हमने जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोटोकॉल डेवलप करके वाइल्ड में जो है सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया है।
अगली है पिट्टोस्पोरम इरियोकार्पम, ये भी जो है हमारे मसूरी और झड़ी पानी एरिया में मिलती है, ये भी यहीं की एंडेमिक स्पीसीज है। इस पर भी जो है हमने प्रोटोकॉल डेवलप करके इसको जो है संरक्षित किया, अपने यहाँ गार्डन में भी संरक्षित कर रखा है। ये है लिलियम पॉलीफिलम, अगर अष्टवर्गा आप लोग जानते होंगे, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश जो है ये लिलियम पॉलीफिलम, इसका जो बल्ब है ये लहसुन की तरह दिखने वाला, इसको जो है उसमें यूज किया जाता है और इसका जो है बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। तो अष्टवर्गा के जो 8 प्लांट हैं उनमें से एक ये लिलियम पॉलीफिलम भी है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वेस्टर्न हिमालय की, तो इसके लिए भी हमने जो है प्रोटोकॉल डेवलप किया है। और इसको हमने इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की, आप देख सकते हैं कि पहले इसमें कैलस इंड्यूस किया है, कैलसिंग से फिर सूट, देन रूट और फिर हार्डनिंग इसकी की है, और लास्ट में आप देख सकते हो कि जो स्मॉल बल्ब्स जो हैं ये लिलियम पॉलीफिलम के आपको सामने नजर आ रहे हैं। कैटामिक्सिस बैकेरॉइड्स या एक और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारे उत्तराखंड की, और इसमें भी जो है इसकी 3 या 4 लोकेलिटी हैं इसके उत्तराखंड में, जिनमें से कि 2 या 3 लोकेलिटी मेरे ख्याल से इसकी जो है रोड वाइडनिंग वगैरह में जो है ख़त्म हो गई है और स्पीसीज वहाँ से जो है वाइप्ड आउट हो चुकी हैं। तो उसके लिए भी हमने प्रोटोकॉल डेवलप करके इसको अपने गार्डन में इस्टेब्लिश किया है। अगला है ट्राइकोलिपिस रॉयली, ये हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही इंडेमिक स्पीसी, पॉइंट इंडेमिक स्पीसीज है, और इसके हैबिटेट आप देख सकते हो पिक्चर में कि कैसे वहाँ पे जो है कटान चल रहा है, जेसीबी के थ्रू लोग वहाँ से जो है पूरे पहाड़ के पहाड़ काट के ले जा चुके हैं। तो इसको भी हमने अपने लैब में टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप करके इसको अपने गार्डन में इस्टेब्लिश किया है, और वहाँ नेचुरल हैबिटेट में भी कुछ रिहेबिलिटेट किए हैं इस स्पीसीज के प्लांट। जेंसियाना क्रू, अगेन इट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट और हाईली मेडिसिनल प्लांट, डायबिटीज़, इसको हिंदी में इसे जो है त्रायमान कहते हैं, और डायबिटीज़ के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। और अभी हमने इसको, आप इसके भी देख सकते हो कि कितने सुंदर फूल इसमें जो है लगे हुए हैं। तो इस प्लांट को जो है मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ हम इसको जो है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज कर सकते हैं, इसको संरक्षित करने के लिए जो है इसको अपने घरों में या जो फॉरेस्ट, हमने इसको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को भी रिकमेंड किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको अपने रेस्ट हाउस वगैरह में जो है इसको संरक्षण के लिए लगाएं, ताकि ये स्पीसीज जो है हम इसको बचा सकें। वर्नोनिया एमिगडेलिना, ये भी एक हाईली मेडिसिनल, इथनो मेडिसिनल स्पीसीज है, इसका भी हमने अपने टिश्यू कल्चर से जो है, ये वैसे तो स्पीसीज अफ्रीकन स्पीसीज है लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड है और इसको हाईली मेडिसिनल, और अफ्रीका में तो इसको एज ए वेजिटेबल और मेडिसिनल काफ़ी चीज़ों में यूज किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इसको मेडिसिनल और स्पेशली इन साउथ इंडिया जो है काफ़ी यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन। और यूलोपिया डाविया ऑर्किड स्पीसीज है, ऑर्किड के आप मैंने जैसे बताया फ्लोरिकल्चर, और ऑर्किड जो है वन ऑफ द बेस्ट फ्लोरिकल्चर स्पीसीज, तो ये ऑर्किड यूलोपिया डाविया अगेन अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके लिए हमने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया है। इसमें आप देख सकते हो कि राइजोम से इसके जो है पहले सूट डेवलप किए हैं और फिर इसमें रूटिंग एंड फाइनली हार्डनिंग इसका जो है, और लास्ट में आप ट्यूबर भी, इनिशियली फर्स्ट पिक्चर और लास्ट पिक्चर देख सकते हो इसका ट्यूबर जो है, ऐसे ही है। रिंको स्टाइलिस रेट्यूसा, ये भी और ऑर्किड स्पीसीज है, और आसाम का जो है स्टेट फ्लावर भी है रिंको स्टाइलिस रेट्यूसा, इसको भी हमने अपने टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है लैब में विकसित किया है और फिर जो है इसकी हार्डनिंग करके इसको नेचर में भी इस्टेब्लिश किया है। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है फ्लोरी टिश्यू कल्चर का जो है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ही उपयोग और वाइड स्केल पे इसका उपयोग हो रहा है, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जो मैक्सिमम ऑर्किड की जो डाइवर्सिटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत है, और वहाँ पर इस टेक्निक को जो है बहुत ही जो है व्यापक रूप से इसको यूज किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो कि जो है ऑर्किड में कितने खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं इसमें डेवलप हो रहे हैं, कैसे जो हैं, और इन सब फ्लावर्स को, क्योंकि नेचर में जब हम इन फ्लावर्स की ग्रोथ देखते हैं तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, लेकिन टिश्यू कल्चर से हम इनको फास्ट ग्रोइंग बना सकते हैं और पूरे राउंड द ईयर जो है इनकी सप्लाई हम मार्केट में इस्टेब्लिश प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री जो है टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, और फ्लोरिकल्चर सबसे बिगेस्ट स्कोप भी है टिश्यू कल्चर के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है फ्लोरिकल्चर में इसको जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक को अप्लाई करना चाहता है, ये आप देख सकते हो। और ये कुछ बुक्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं बुक्स हैं, जिनके थ्रू आपकी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। ये H.S. चावला 2002 इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड है भुजवानी एंड राजदान 1996 प्लांट टिश्यू कल्चर थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आप देख सकते हैं। भुजवानी 1990 प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, एंड धन्यवाद।